हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वाचिंग केसु एंटरटेनमेंट इन यूट्यूब। आई एम योर होस्ट सी बघेल सर। हम जंगल के भीतर में त्रिलोकेश्वर धाम है, अर्धनारेश्वर धाम है, जो रियल जंगल के बीच में है। आपने दरेकसा का नाम सुना होगा, उसके पहले सालेकसा नाम से स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर अंदर है। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि जब मेला ठेला कोई यात्रा वगैरह होती है तो ही जाने का। मैं ऐसे आड़े समय शूटिंग करने पहुंच गया, ये सुनसान था और थोड़ा मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मगर जब मैं अंदर पहुंचा तब देखा, जब बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दूर वो भी जंगल में स्थित है ये त्रिलोकेश्वर धाम और अर्धनारेश्वर धाम, और इस सुनसान एरिया में 2 बच्चे कैसे। देखिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शंकर पार्वती अर्धनारेश्वर, गणपति बप्पा भी है साथ में, कार्तिकेय जी भी है, एकदम सर्वत्र रंग बिरंगा सा, कहीं लाल है तो कहीं पीला है, कहीं नीला है, कहीं गुलाबी है, कहीं हरा है। यानी नेचर ने अपनी पूरा सौंदर्य उंडेल दिया है। माँ पार्वती जी की तरफ में सिंह है, भगवान शंकर की तरफ में नंदी जी है, ये इनका ट्रस्ट है, ट्रस्ट का ये मंगल भवन है, मंगल कार्यालय है। मेला और यात्रा वगैरह लगने पे आना उचित रहता है। ये जैसे ट्राइबल समाज होते हैं उनका है ये, हल्बी गोंड आदिवासी, ये इनके कुल देवी देवता का मंदिर है, ये उनसे संबंधित उनके कुल के देवी देवता है और ये अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए, मैं 2 बच्चों के बारे में कह रहा था, वो ये टहल रहे हैं। ये देखिए जवा कुसुम का फूल है, ये लगा हुआ है, जंगली फूल है ये, ज़्यादातर अपन देखते हैं लाल रंग का रहता है, जैसे जासवन का फूल भी कहते हैं, जवा कुसुम कहते हैं। देखिए भगवान शंकर की बहुत ही विशालकार, बहुत ही ऊंची मूर्ति है, और उनके राइट हैंड में एक आसमान को छूता हुआ त्रिशूल बना हुआ था। बोलो हनुमान जी की जय। यही है त्रिलोकेश्वर धाम, द्वादश शिवलिंग, पहाड़ी है और जंगल है ये, बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा पसरा हुआ था, और कुछ संतों की समाधि भी है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगता है ये, और यहाँ की आबो हवा मन को भाती है। यहाँ आने के बाद यहाँ लंबे समय तक बैठ जाने का मन करता है। बनाने वाले ने बहुत ही सुंदरता से बनाया है। देखिए बहुत बड़े नंदी जी भी हैं। बहुत यहाँ अंदर शिवलिंग है, बहुत ही ऊंचा त्रिशूल है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत ही विशालकाय भगवान शंकर जी हैं, ये उनके नंदी जी हैं। कभी भी ग्रुप में आइए, मेले में, यात्रा में आइए, सकुशल आइए, सकुशल जाइए, कैमरा लेके आइए, मोबाइल लेके आइए, शूटिंग करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मिनल मैथोलॉजिकल वंडरफुल यात्रा। थैंक यू वेरी मच अगेन।